और इसका देखिए कि इसका जो 2019 का चुनाव हुआ या इसके बाद जिस तरह से चल रहे हैं, तो ये पांच सहारे लेकर के चलते हैं। एक तो इनके पास संघ का संगठन है, दूसरा इनके पास है धर्म का राजनीतिकरण, धर्म को साथ लेकर चलते हैं, बिना धर्म के राजनीति नहीं कर सकते ये। तीसरा है जो पूंजीपति है, पूंजीपतियों का साथ लेकर चलते हैं, पैसों का खेल खेलते हैं। चौथा है मीडिया को अपने वश में रखते हैं, अपने हिसाब से बोलने के लिए बोलते हैं, जिसके माध्यम से परसेप्शन करते हैं। तो ये जो बिहार में जो घटनाक्रम हुआ उसमें लगा ऐसा कि बीजेपी को थप्पड़ पड़ा, मुंह की खाई कहा जा सकता है मुहावरे में अगर बात करें तो, कि बिहार ने नीतीश कुमार ने जो किया बिहार में और बीजेपी अकेली हो गई, तो लगा कि इनका जो अभियान था ईडी का, सीबीआई का और इनकम टैक्स का या दूसरे सबको मिला लेने का डरा धमका करके या पैसों के बल पर, वो खत्म हो गया। और एक परसेप्शन ये बना कि मोदी जी को या बीजेपी को चैलेंज किया जा सकता है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये बिहार ने किया। उसके बाद देखिए लगातार चर्चा चली, विपक्ष की एकता की बात चली, और ये कांग्रेस पार्टी जो है जो भारत जोड़ो यात्रा पे निकली है, ये तो बिहार से पहले तैयारी कर चुकी थी, और हम लोग लगातार कहते रहे कि राहुल गांधी को यात्रा पे निकलना चाहिए, और राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की, और इस यात्रा का देखिए लगातार अच्छा जो है परिणाम आ रहा है, लगातार चर्चा में, और लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए नहीं केवल चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी यात्रा पे, यात्रा पे कोई भी हो तो उनकी चर्चा होती है, क्योंकि एक यात्रा जो पद यात्रा है या कोई भी यात्रा लोगों से संपर्क करने का जो राजनीति में एक हथियार है, वो तो बड़ा महत्वपूर्ण और मजबूत हथियार है, क्योंकि जब हम यात्रा करते हैं तो अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग विचारों को समझते हैं, हमको लोग समझते हैं, राजनेता को समझते हैं कैसे। तो ये सारी चीजों से ये लग रहा था कि बीजेपी बैकफुट पे आ गई, या तो आप मीडिया में राहुल गांधी के पदयात्रा पे बात कीजिए, या नीतीश कुमार जो अभियान चला रहे हैं विपक्ष जोड़ो अभियान उस पे बात कीजिए। तो अब कांग्रेस, अब ये जो है गुलाम नबी आजाद का जो खेल खेला कांग्रेस तोड़ो अभियान, या कहिए कि कांग्रेस को कमजोर करने का अभियान, गुलाम नबी आजाद भी जो है फ्लॉप साबित, इसके पहले अमरेंद्र सिंह देखिए फ्लॉप साबित हुई, झारखंड में बीजेपी फ्लॉप साबित हुई, ऑपरेशन लोटस जो है फ्लॉप हो गया। अब गोवा पे अगर आते हैं तो गोवा पे इनकी ऑलरेडी सरकार है, तो इस जो ऑपरेशन चलाया उसे सरकार पे तो फर्क पड़ना नहीं है, ऐसा तो नहीं कि सरकार बना रहा है ये, फिर भी साथ लिया, क्यों साथ लिया है, ये आवाज हमारी विवेचना का विषय होना चाहिए कि बावजूद इसके कि जबकि उनकी सरकार को खतरा नहीं है, सरकार उनकी है, फिर भी इन्होंने कांग्रेस के 11 में से 8 विधायकों को क्यों जोड़ दिया। तो उसका सबसे बड़ी वजह मुझे जो दिखाई पड़ती है राजीव भाई, वो वजह है कि एक इसी बहाने आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है क्या, तो एक परसेप्शन गढ़ा जाएगा कि देखिए मणिपुर में जेडीयू को तोड़ लिया गया, वहां उसको तोड़ लिया गया, गोवा में देखिए कांग्रेस के लोग जो है असंतुष्ट हैं, और ये जो खास करके जो दिगंबर कामत है जो बड़े नेता माने जाते हैं बीजेपी कांग्रेस के और मुख्यमंत्री तक रहे, हालांकि उनकी शुरुआत में पढ़ रहा था कि उनकी शुरुआत भले कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे हुई थी, लेकिन जो पहला चुनाव जीता था उन्होंने बीजेपी से जीता था 1994 में, और फिर काफी सालों तक बीजेपी के साथ रहे, फिर ये जो है मनोहर पर्रिकर की सरकार गिराते हैं और फिर ये कांग्रेस का खेल उसमें होता, उसमें भी उसमें कांग्रेस ने खेल किया, और उसके बाद ये 2007 में फिर जब चुनाव होता है कांग्रेस जीतती है और वादे के मुताबिक जो है दिगंबर कामत जो है मुख्यमंत्री बनते हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे 2007 से 2012 तक, और मनोहर पर्रिकर फिर एक मनोहर पर्रिकर की छवि बड़ी अच्छी छवि मानी जाती रही, वो चाहे बीजेपी के नेता रहे या किसी पार्टी के नेता रहे उनको अच्छा मानते रहे, और आज जो सरकार में हैं ये लोग, हालांकि दिगंबर कामत जी को क्या नहीं मिला, मुख्यमंत्री पद मिला कांग्रेस को, विपक्ष के नेता रहे ये, उसके अलावा अभी हाल में ही इसी साल इनको जो है कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य का ये दर्जा दिया गया था। तो बेसिकली ये जो गए हैं उनके अब इनके जाने के पीछे और कुछ वजह नहीं मुझे दिखाई पड़ती, मुझे वजह दिखाई पड़ती है कि बीजेपी या मोदी जी या अमित शाह जो चाणक्य हैं बीजेपी के, वो अपना एक परसेप्शन गढ़ना चाह रहे हैं कि बीजेपी कमजोर नहीं हुई है, बीजेपी कांग्रेस के तुलना में अभी भी बहुत आगे है, देखिए कांग्रेस से टूट करके लोग आ रहे हैं, इससे आगे मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है राजीव।